राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इंधन विणवा गई थी मोरी सैयार, इंधन विणवा गई तीरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। रामलीला फेम भूमि त्रिवेदी गुजरात तक की टीम के साथ जुड़ी हुई है। गरबा भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सुनना चाहूंगी रामलीला सॉन्ग। वो पहली पसंद होगी हमारे व्यूअर्स की भी, क्योंकि उसी से बॉलीवुड में आपने कदम जमाया और उसके बाद जीरो मूवी, दोनों मूवी के हम गाने थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जोगी जोग मुखी मगन माया मा, घेलो थई गयो श्वेत काया मा, मनन करे लीला एक अजना, रघुपति राघव राजा राम, राम लीला राम लीला राम लीला राम, हो राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा आँख मारो तो प्यार, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। बिल्कुल, अभी आपके आवाज़ में सबको जो जो लोग ये सारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें रामलीला मूवी ज़रूरी याद आ गई होगी। अब चलिए जीरो का रुख करते हैं, जीरो मूवी से भी एक गाना हो जाए जी। इनफैक्ट जीरो मूवी के बारे में बताना चाहूँगी, ऑफकोर्स शाहरुख खान जी की फिल्म है और मुझे शाहरुख खान जी के दो फिल्म्स में गाने का मौका मिला, रईस में उड़ी उड़ी जाए और हाल ही में फ़िलहाल 2018 दिसंबर में जो रिलीज़ हुआ जीरो फिल्म। सो आई जस्ट सिंग दैट बिट फॉर यू। हाथ में रात ये बाकी है, बात ना पाक वफा की है, संदली सी पुरवाई साथ है, तू है ना काम मोहब्बत में, मैं जलूं प्यार की शिद्दत में, धुंधली सी रुसवाई साथ है, काम तू आ जा मेरे, सोचना यार सवेरे, छोड़ दूंगी मैं घर पे करता है क्यों गम, हुस्न परचम लहराया यार दमा दम दम, हुस्न परचम लहराया यार दमा दम दम, हुस्न परचम लहराया यार दिखा दम खम, हुस्न परचम। आप जब भी गाते हैं तो ऐसा लगता है बस गाते रहिए गाते रहिए, ये जो सफ़र है वो चलना ही चाहिए जी। उस सफ़र को चलने के चक्कर में हम कितने दिनों से हम सब लोग सोए नहीं। थकान है, इतनी सारी नवरात्रि आ रही है इसलिए, बट ऑब्वियस है कि लोड भी आपके ऊपर ज्यादा होगा, वर्कलोड और सारी चीजें। बिल्कुल, और मैं आपको और एक बात भी बताना चाहूंगी, जैसे एक एल्बम रमझट एल्बम रमझट 1 एल्बम आया था जिसमें मैंने और उस्मान मीर जी ने गाया था, और इस साल रमझट 3 एल्बम रिलीज होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो रमझट 3 रिलीज हो रहा है और रिसेंटली जो मैंने प्रस्थाना मूवी से गाना गाया वो बिल्कुल हटके गाना है दिल बेवड़ा। तो अभी ऐसे बड़े एसेंट्रिक से हुक लाइंस और वो टाइटल के साथ गाना गा रहे हैं हम लोग, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। टिचकी हो गया और ये सारे गाने हो गए, बड़ा मज़ा आ रहा है एंड आई एम जस्ट कम्प्लीटली एंजॉइंग दिस प्रोसेस, एंड लोगों का जो प्यार है जो ब्लेसिंग है आई थिंक आई एम कॉन्स्टेंटली काउंटिंग देम। दिल बेवड़ा आपने नाम बताया, आगे इसमें गाने में कैसा है, किस हिसाब से गाना है हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मुझे सिंगिंग मैं बस गाना चाहती हूँ चाहे वो कैसा भी मूड हो। जिस तरह से आशा भोसले जी ने क्लासिकल से लेके मुंगड़ा तक के ऐसे ऐसे मज़ेदार गाने गाए हैं, तो मैं भी बस ऐसा ही कुछ चाहती हूँ कि मैं हर जॉनर के गाने गा सकूँ। सो आई जस्ट हम अ कपल ऑफ लाइंस। माई मना करती है बाप मना करता है फिर भी है जिद पे अड़ा,
सुबह सुबह सो जाए, शाम ढले हो जाए, भट्टी के आगे खड़ा दिल बेवड़ा, डरंग डंग 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 डरंग दिल बेवड़ा, डरंग डंग 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 डरंग दिल बेवड़ा, दिल बेवड़ा। हिप हॉप टाइप का भी म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, आगे अगर उस्मान मीर के साथ भी आपने बहुत सारे गरबे भी गाए हुए हैं, चलिए अब बॉलीवुड के गाने तो आपको सुनवा दिए, अब गरबे की बारी, थोड़े बहुत प्राचीन गरबे की शुरुआत करते हैं। आपने गरबे क्या घर में से ही गुनगुनाना सीखा था या पेरेंट्स, या कैसे आपके अंदर आया ये सारी चीज़ें? म्यूज़िक मेरे फैमिली में हमेशा से रहा है, और माय मॉम, मेरे पेरेंट्स को मैं, मेरे मम्मी पापा दोनों को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, और उनसे ही मैंने, मेरे मॉम से, मेरे पापा से मैंने ये सारे गाने गरबे सीखे हैं। एंड व्हेन आई वाज जस्ट मे बी 12-13 इयर्स ओल्ड, तब मम्मी ने अपने खुद का गरबा ग्रुप शुरू किया था, स्टार्ट किया था, और उसके बाद आज आई थिंक दिस इज़ द 19th और 20th ईयर जहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली हर साल अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करती आ रही हैं। सबसे पहला जो आपका गरबा था जो आपने अपनी मम्मी के साथ गाया था वो कौन सा था? मैं फाल्गुनी पाठक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो जब लोग मुझे बोलते हैं अरे आप मुंबई में यू नो फाल्गुनी पाठक गोरेगांव बोरीवली में हैं, आप यहाँ पे नज़दीक में हो, ये वो, मैंने हमेशा सबको कहा है कि यू नो पीपल, लोगों को लगता है कि अरे भूमि भी मुंबई में परफॉर्म कर रही है तो कंपटीशन वाला माहौल हो गया, ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ, मुझे एक मौका चाहिए था कि मुझे गाने का मौका चाहिए था, और वो गाने का मौका, वो स्टेज मुझे मिला है बस। एंड मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपने ग्राउंड में जहाँ पर भी मैं परफॉर्म करी हूँ, परफॉर्मेंस ख़त्म करके मैं वहाँ पर जाऊँ, फाल्गुनी पाठक के ग्राउंड पर मैं जाऊँ। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि उनको मैंने बहुत बहुत सुना है, उनके गरबे भी मैंने बहुत सुना है। सो शी यूज़ टू सिंग दैट परी हूँ मैं और इंद्रा मेणवा, सो दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर राइट नाउ। इंधना विणवा गई थी मोरी सैयार, इंधना विणवा गई थी रे ओहो हो, इंधना विणवा गई थी मोरी सैयार, इंधना विणवा गई थी रे, वेड़ा बपोरनी थई थी मोरी सैयार, वेड़ा बपोरनी थई थी रे लोल, इंधना विणवा गई थी मोरी सैयार, इंधना विणवा गई तीरे हो। बिल्कुल, यानी ये सबसे पहला गाना था जो शुरू हुआ। ओके, उसके बाद फिर ये जर्नी जो है वो शुरू होते गई। बिल्कुल, अब जोन वाइज अगर बात करें तो थोड़ा सा सौराष्ट्र टच वाला जो जोन है वो थोड़ा सा गरबा गुनगुना दीजिए। मैं आपको मेरा सबसे फेवरेट जो नॉर्थ गुजरात का एक गरबा है, आई विल मेक यू लिसन टू दैट फर्स्ट। अला हे झारना झूले घोड़ियों बांध्यूं, अला हे झारना झूले घोड़ियों बांध्यूं, कौन हलाया न गाया रबारी रूपला, रबारी रूपला, रबारी रूपला, रबारी रूपला, तारा संग मजाऊं के हलुलुलुहा, 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 हलुलुलुहा। वेरी नाइस, अतुलनीय है ये सारा म्यूजिक जो ये गाया जाता है। अब एक और गरबा हो जाए, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं, एक लास्ट फरमाइश अब ये। बिल्कुल, क्या सुनना चाहेंगे आप? सब हो गया, एक और गरबा? नहीं, कॉन्सर्ट करा दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन चलिए एक फ्यूजन टाइप का हो जाए गरबा हमारे व्यूअर्स के लिए खास। चलिए, फॉर श्योर, जो मैंने रईस फिल्म के लिए गाया था, उड़ी उड़ी जाए। yes. हो कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा सांझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा, मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। थैंक यू सो मच भूमि, अब एक भी फरमाइश नहीं करूंगी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, थैंक यू, वेरी हैप्पी टू बी हियर, और आज तक और गुजरात तक के लिए यू नो मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रही हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। तो ये थी भूमि त्रिवेदी, जिन्होंने अपने अंदाज में, अपने अनोखे अंदाज में हमारे साथ बातचीत की और अपने गानों के जो सुर है वो आप तक पहुंचाए। वीडियो जर्नलिस्ट उज्ज्वल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।